तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखो बच्चे, हेडिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो सब बाद की कहानी है लाल। देखो यहाँ पे बेसिकली अभी जो भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, टू डी ज्योमेट्री है, और जो प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन, राइट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हें ऐसी दो, मान लो तुम्हें कोई भी पॉइंट यहाँ लोकेट करना है तो किसी चीज के रेफरेंस में आप मूव करोगे, राइट। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्स से डिसाइड करते हैं। तो बच्चे गौर करना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो मैं आपसे कहूं ये एंगल 30 डिग्री है और दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं अपना रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, दैट इज ओरिजिन 0.0, और मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट 1.2 लोकेट करने हैं। तो कैसे लोकेट करेंगे 1.2 को, यानी 1.2 पॉइंट को इसमें लोकेट करना था। तो इसका अर्थ है बच्चे आप एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट चलेंगे, देन जब आप वाई में जाते हैं तो वाई के पैरेलल चलते हैं, वाई के पैरेलल मतलब आपको 30 डिग्री पर चलना है। यानी दो एक्सिस के बीच का एंगल क्या बतलाता है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में वाई पे कैसे जाएंगे। अगर एंगल 30 डिग्री है तो आप एक्स से वाई की तरफ 30 डिग्री पे चलेंगे, 45 होता 45 पे चलते, 90 होता तो 90 पे चलते। अच्छा हमें कौन सा पढ़ना है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 90 वाला, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने सुना रेक्टेंगुलर एक्सिस, वो स्पेशल केस होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो 1.2 पॉइंट को आप ऐसे लोकेट करेंगे, बट अगर ऐसा हो जाए बच्चे, मान लो यही अपने पास सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अपने पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, फटाफट मुद्दे की बात करते हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है, जैसा कि कल एक सवाल अराइज हुआ था। तो बच्चे अपने पास पॉइंट है, मान लिया ए पॉइंट है एक्स वन वाई वन, और बी पॉइंट है एक्स टू वाई टू, और यहां एक्सिस के बीच का जो एंगल है साथी वो सपोज थीटा है। आपको ये लेंथ बच्चे कैलकुलेट करना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर ये लेंथ कैलकुलेट कर पा गए मतलब एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है तो हम 90 डिग्री वाला भी केस कर पाएंगे, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो अपना वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा जो हमें पढ़ना है। तो पहले एक छोटी सी चर्चा इसके लिए कर लेते हैं, फिर बाकी एज यूजुअल अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाएंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब थीटा जब 90 डिग्री होगा। तो देखो ए पे पहुंचने के लिए अपने को एक्स एक्सिस में एक्स वन जाना है, फिर वाई में बच्चे वाई वन चलना है, और ये वाई वन है। ऐसे ही बी पे जाने के लिए अपने को एक्स में कितना चलना, इस पॉइंट का नाम एम मान लेते हैं, आपको एक्स में बच्चे एक्स टू चलना है, देन इधर कितना चलना है वाई टू। ये टोटल जो लेंथ है ये कितना है एक्स टू, तो ये एम एन का लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस, राइट। अच्छा मैं ए पॉइंट से एम एन के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, किसके पैरेलल लाइन बना रखी है, एम एन के पैरेलल। तो बच्चे ये एंगल थीटा था तो ये एंगल, ये सारे एंगल कितने होंगे, सब थीटा ही हैं, राइट।
ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, यहां तक का मामला चले। अब देखो क्या करते हैं, अगर मुझे कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए तो मैं फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर सकता हूं, लेकिन ये अभी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, देखो यहां से क्या करते हैं, इस पे मैं एक परपेंडिकुलर बना लेता हूं, ये रहा परपेंडिकुलर। काफी कम, इसमें बहुत खिच पिच हो रही डायग्राम में, दोबारा करते हैं। ये अपना है परपेंडिकुलर, सपोज जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर मीट करता है ये पी है, ये क्यू है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। गौर करना बच्चे, एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, बी क्यू का लेंथ कितना होगा, ऑफ कोर्स वाई टू माइनस वाई वन। देखो बच्चे, एन बी का लेंथ वाई टू है और एन क्यू का लेंथ वाई वन है, राइट? तो बी क्यू का लेंथ कितना होगा, वाई टू माइनस वाई वन। चलो बी क्यू मिल गया। अच्छा, क्या मैं पी क्यू बता सकता हूं? देखो भाई, पी क्यू कितना होगा, पी क्यू होगा बच्चे बी क्यू कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, ये एंगल थीटा है। अगर आप बी क्यू का हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रोजेक्शन लेंगे कितना आएगा, बी क्यू कॉस थीटा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बनाया, ये वाला एंगल बच्चा कितना 90 डिग्री है। मैं उस फिगर को बड़ा कर देता हूं, देखो जो आपके पास पी क्यू बी ट्राइंगल है वो ऐसे है, ये पॉइंट आपके पास पी है, ये क्यू है बच्चे और ये बी है, ये लेंथ आपने लिख रखा है वाई टू माइनस वाई वन के बराबर और ये थीटा है, तो आप पी क्यू लिख सकते हैं बी क्यू कॉस थीटा। बी क्यू कितना है, वाई टू माइनस वाई वन, तो यानी आएगा वाई टू माइनस, आप साथ साथ लिखते रहना, वाई टू माइनस वाई वन कॉस थीटा। अच्छा साथी, ये पी बी का लेंथ कितना होगा, पी बी का मतलब बी क्यू साइन थीटा, राइट? भाई बीपी इस राइट एंगल ट्राइंगल में बीपी अपॉन बी क्यू कितना होगा, साइन थीटा होगा, तो बीपी कितना होगा, बी क्यू साइन थीटा, तो बी क्यू साइन थीटा। तो बच्चे आपके पास यहां से पी बी आ गया वाई टू माइनस वाई वन साइन थीटा। इतनी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अब गौर करो बच्चे, जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है फिगर में, ट्रायंगल ए पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अच्छा, अभी मैंने ए पी का लेंथ अभी तक नहीं लिखा है, तो अब लिख लेते हैं। देखो भाई, एपी का जो लेंथ है, एपी का मतलब ए क्यू प्लस पी क्यू, ए क्यू प्लस पी क्यू, ए क्यू आपके पास अवेलेबल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ए क्यू एन एम एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स बराबर होंगे, एम एन का लेंथ एक्स टू माइनस एक्स वन है, सो यू कैन से कि भाई ए क्यू का लेंथ एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, और बच्चे पी क्यू, पी क्यू कितना है, y2 टू माइनस वाई वन कॉस थीटा, एड कर दो तो आपको ए पी मिल जाएगा, तो यहां पे आएगा x2 टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन कॉस थीटा। चलिए भाई, तो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर कर दिया जाए, यानी ए बी स्क्वायर होगा बच्चे x2 टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर दैट इज एपी स्क्वायर, और उसमें तुम कितना जोड़ रहे हो, पीबी, पीबी कितना है बच्चे, पीबी है बी क्यू साइन थीटा, यानी वाई टू माइनस वाई वन साइन थीटा,
कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पूरे का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर दो। देखो यहां पे क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। एक्सपेंड वगैरह कर लो आप तो आपको ए बी स्क्वायर ये नजर आएगा। भाई देखो यहां मैं लिख रहा हूं ए बी स्क्वायर, बच्चे इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलो, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस यहां से आएगा वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या होगा टू ए बी, टू ए बी में कितना होगा टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन कॉस थीटा, ये पूरा आएगा राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप यहां से ए बी का लेंथ लिख पाएंगे, से मैं रब कर दूं तो बच्चे आप फाइनल फॉर्मूला यहां पे लिख पा रहे हो, यानी जो ए बी का लेंथ आ रहा है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स वन y2 टू माइनस वाई वन कॉस थीटा। ये बच्चे फॉर्मूला हो गया अगर एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है तो दो पॉइंट ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू के बीच में डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। इनके बीच में डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है अगर एक्सिस के बीच का एंगल क्या है थीटा है। कोई समस्या तो नहीं यहां पे? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पे दूसरी कंडीशन लेते हैं। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बच्चे इस केस में दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है ए और बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आप कुल मिला के थीटा की वैल्यू इस दफा क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, तो आपको ए बी का लेंथ मिल गया सीधे। यहां पे थीटा बराबर पुट करना है 90 डिग्री पाई बाई टू, तो ए बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस, तो ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता भी होता है पहले से, ठीक है। नाइंटी डिग्री चलो अब एक यहां पे अगर दो पॉइंट कोई भी दिए होंगे उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सब बहुत ही आसान काम है आपके लिए राइट। तो यहां पे एक सवाल कर लेते हैं केवल छोटा सा, ये बच्चे आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेसेस हैं, इनमें एक्सिस के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री
पॉइंट है आपके पास 3.4, 6.8, इनके बीच की दूरी बतलानी है इस केस में। आप इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बच्चे कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 माइनस 3 कहे तो 3, 8 माइनस 4 का मतलब 4 इंटू 1 बाई 2, यानी डी ए बी ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 12, यानी डी ए बी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 37। ठीक है, कुछ बातें टेंथ क्लास में आपने कर रखी है उसे, लेकिन फटाफट हम रिकैप के थ्रू लिख लेते हैं। देखो बच्चे, अब ऐसा आता है आपके पास, यहां पर लिख लो आप सेक्शन फॉर्मूला, हेडिंग के तौर पर लिख लो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले में देखते हैं, फर्स्ट आप लिखना है यहां पे ए पॉइंट इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। देखो बच्चे, यहां पे शर्त क्या है, आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको कोई तीसरा पॉइंट एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ऐसा फॉर्मेट है बच्चे, आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब पूरी चर्चा किसकी कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, राइट। अब जो भी चर्चा करेंगे सब थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए करेंगे, मतलब एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्स वन वाई वन बी, एक्स टू वाई टू, हालांकि आपसे कभी कभी लोकस के सवाल ऐसे भिड़ सकते हैं कि एक्सिस के बीच का एंगल 90 ना हो कुछ और हो जाए, तो आप वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो बच्चे यहां पर कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, जो कि इसको एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है, या ज्यादा बेटर मैं बोल दूं लैम्डा इज टू वन। कोई दिक्कत तो नहीं रेशियो में, तो एक्स और वाई की वैल्यू बतलानी है। तो भाई आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी बच्चे ऐसे लैम्डा इसके साथ जाएगा, वन इसके साथ आएगा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा बच्चे दैट विल बी लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन, वन इंटू एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। वाई कोऑर्डिनेट दैट विल बी लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, राइट। हालांकि आगे हम कंपेयर करेंगे, अगर हमें कोई एक ही फॉर्मूला याद है तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल पे सोचने की जरूरत नहीं है, आप किसी में भी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट कुछ कन्वेंशंस आपको ध्यान में रखने होंगे। ये तो भाई आपका इंटरनल डिवीजन था। देखो बच्चे, एक्सटर्नल डिवीजन आपका बी पॉइंट है, आप लिख लो एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन तो बच्चे एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, आपके पास कोई भी एक पॉइंट ए है सपोज जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू है,
और बच्चे तीसरा पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। आप देख सकते हैं ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं और ये रेशियो यहां पे है लैम्डा इज टू एन, लैम्डा इज टू वन, ऐसे देखते हैं। मैं आप रेशियो कैसे देखते हैं, पी ए अपॉन पी बी, रेशियो कैसे देखा था, पी ए अपॉन पी बी, गौर करना ये पी ए अपॉन पी बी की चर्चा थी, लैम्डा इज टू वन, यहां भी क्या है पी ए अपॉन पी बी। ये लैम्डा इज टू वन है। तो अब बच्चे तुम्हें कंप्यूट करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो अगेन आप यहां पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, लैम्डा एक्स टू, लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन लैम्डा माइनस वन, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट होगा बच्चे लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन लैम्डा माइनस वन, लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन लैम्डा माइनस वन, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, इनको बहुत इजीली हम डेराइव भी कर सकते हैं, हालांकि क्लास टेंथ में आपने डेरिवेशन किया भी होगा शायद। अब देखो बच्चे यहां पे सवाल ये है, सेक्शन फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। तो गौर करो, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया इफ पॉइंट्स ए एक्स वन कॉमा, सॉरी यहां पे कुछ और लिख लेते हैं, पॉइंट ए 3.4, बी 5.6 एंड सी पी कॉमा माइनस वन आर कोलिनियर then what will be p? बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, इसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हो, उसे जीरो कर देंगे अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं। बट सवाल इसे सेक्शन फॉर्मूले से कैसे करोगे, ये सवाल है। तो देखो बच्चे सेक्शन फॉर्मूले से कैसे करेंगे, आपके पास ए पॉइंट है 3.4, बी पॉइंट है 5.6, सी पॉइंट है पी कॉमा माइनस वन। आप ये मान लो कि 5.6 इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशियो लैम्डा इज टू वन में, या आप ये मान सकते हैं कि सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करा फिर लैम्डा इज टू वन चेंज हो जाएगा, कोई भी एक मान लो आप। मैंने क्या मान लिया, इंटरनल, कि जो बी है वो ए सी को इंटरनली लैम्डा इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहे। आप ये भी मान सकते हैं कि सी ए बी को एक्सटर्नली, तब लैम्डा यहां से यहां तक का हो जाएगा, लैम्डा इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। गौर करना, अब मैं सेक्शन फॉर्मूले को एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करता हूं। तो देखो अच्छा, 5 लैम्डा इंटू पी प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होगा पहला रिलेशन। वाई में भी अप्लाई करो तो फिर से एम वाई टू यानी माइनस लैम्डा प्लस एन वाई वन प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, राइट। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू देखो, दोनों से लैम्डा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम,
चाहे एक्स से निकालो चाहे वाई से, ये शर्त आप याद रखेंगे, चाहे एक्स से निकाले या फिर वाई, दोनों से लैम्डा सेम आना चाहिए, ठीक है बच्चे। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 4, यहां से आप लैम्डा कंप्यूट कर सकते हो। तो बच्चे यहां से लैम्डा कितना आएगा, माइनस 2 बाई 7, लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 बाई 7 पुट करके आप पी बता सकते हैं, ठीक। लैम्डा की वैल्यू बच्चे आप माइनस 2 बाई 7 पुट करके आप पी बता सकते हैं। तो पहले वाले में लैम्डा की वैल्यू आप माइनस 2 बाई 7 पुट कर दीजिए, पुट लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7, तो बच्चे 5 इक्वल टू लैम्डा पी प्लस 3 अपॉन माइनस 2 बाई 7 प्लस 1, तो यानी यहां पे आएगा 5 इक्वल टू लैम्डा पी प्लस 3 अपॉन 5 बाई 7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चे लैम्डा पी प्लस 3 ये होगा 25 बाई 7, यानी लैम्डा, अच्छा पी तो मैंने यहां पे रखा नहीं, यहां भी मैं सॉरी पी तो निकालना है, लैम्डा की वैल्यू यहां नहीं रखी है, पुट कर देते हैं माइनस 2 बाई 7 और 3 को इधर भेजेंगे बच्चे तो 4 बाई 7 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल हुआ, पी आ गया माइनस 2। तो पी की वैल्यू आपने इस तरीके सेक्शन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। मतलब सेक्शन फॉर्मूला कहां पे यूजफुल है, अगर पॉइंट को आप कोलिनियर भी प्रूव करते हैं वहां भी सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं, ये तो एक चर्चा हो गई, दूसरी चर्चा सेक्शन फॉर्मूले को क्या ब्लाइंडली भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि कोई भी पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, ठीक है, मान लो इंटरनल डिवीजन में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर दूं, या एक्सटर्नल डिवीजन हो और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मैं यूज कर दूं। फॉर एग्जाम्पल गौर करना, उससे लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि आज के बाद आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो कॉन्फिडेंट रहो, बोलो चाहे इंटरनल हो वहां पे आप एक्सटर्नल वाला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गौर करना, मैथ बहुत इनोसेंट है, यहां पे अपने आप आंसर करेगा ये बच्चे। मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, सपोज पॉइंट है 3.4, दूसरा पॉइंट है 6.8, तीसरा पॉइंट है, अब देखो तीसरा पॉइंट मैं इसके बीच बैठा देता हूं ए बी, गौर करना मुझे पता है इसके बाद आएगा रियल प्लॉटिंग में। पॉइंट को मैंने लिख दिया 12.16, आपको पता है बाद में आएगा ये। अब मुझे पता करना सी इंटरनली डिवाइड करता कि एक्सटर्नली, हालांकि प्लॉट करने पे दिख रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, सी ए बी को कैसे डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, क्योंकि 12.16 बाद में आएगा, तो मुझे बस ये पता करना है सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आप कहोगे भैया मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लूं, मैंने कहा चलो बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया लेट सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है, मैंने ये मान लिया। तो बच्चे 12 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यानी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसे तो 12 लैम्डा प्लस 12 ये बराबर आएगा 6 लैम्डा प्लस 3 के, तो यानी 6 लैम्डा इक्वल टू कितना होगा माइनस 9, तो लैम्डा कितना आएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, लैम्डा क्या आ गया निगेटिव। तुमने डिवीजन क्या माना था इंटरनल, लेकिन लैम्डा क्या आ गया निगेटिव, इसका मतलब सी किधर रहा होगा बाहर, तुम्हारा एजम्पशन गलत हो गया,
राइट, अगर लैम्डा पॉजिटिव आ जाता। अच्छा आप बोलो सर, आपने वाई कोऑर्डिनेट को नहीं कैलकुलेट किया, अगर आप वाई से निकालोगे तब भी लैम्डा -3/2 आएगा। अगर लैम्डा अलग अलग आ गया इसका क्या अर्थ है? पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर लैम्डा अलग अलग आ गया इसका क्या अर्थ है बच्चे? पॉइंट कोलिनियर नहीं है। राइट right? बिल्कुल, इससे पहले वाला प्रॉब्लम इसी पे बेस था। चलो भाई अब देखो, यहां से लैम्डा आ गया बच्चे -3:2, मतलब आर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। मतलब डिवीजन कैसा होगा? एक्सटर्नल। ठीक है, तो आप समझ गए, मतलब यहां पे लिखेंगे सी डिवाइड्स। अब ऐसे लिखेंगे सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन रेशियो 3:2। 3:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो सेक्शन फॉर्मूले का एक और बहुत ही फैंटास्टिक एप्लीकेशन देखते हैं। लिखिए आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये सेक्शन फॉर्मूले का काफी बेहतर एप्लीकेशन है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखो, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स ए और बी थे, गौर करना ए और बी, और यहां पे बाहर एक पॉइंट है मान लिया पी, और यहां पे अंदर एक पॉइंट है Q। शर्त है Q AB को इंटरनली जिस रेशियो में डिवाइड करता है, पहली शर्त AQ अपॉन QB, अगर ये λ:1 है। दूसरी शर्त एपी अपॉन पीबी, ये भी λ:1 है, देन पी एंड क्यू आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, देन पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड बी। अब हार्मोनिक वर्ड क्यों यूज किया? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर मैं कहता हूं क्यू और पी ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं, P और Q क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं, तो इससे मतलब यह है कि AQ, AB और AP, AQ, AB और AP ये हमेशा HP में होंगे, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी का अर्थ क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस 1 2 3 आप कहते हैं ये एपी में है, तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं
वन वन बाय टू वन बाय थ्री, ये एच पी में होंगे। तो इसमें दिया गया ए क्यू ए बी एंड ए पी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तभी इसकी वजह इसको क्या बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक नाम इसलिए दिया गया राइट। अब देखते हैं ये बात जरा प्रूफ कर लीजिए कि अगर ऐसी खूबसूरत बात है तो ये एच पी में होंगे या नहीं होंगे, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे देख पाएंगे, कुल मिला के मुझे ये प्रूफ करना है कि वन अपॉन ए क्यू, अगर मैं ये प्रूफ कर लूं तो भी बात बन जाएगी, वन अपॉन ए बी वन अपॉन ए पी, ये किसमें होंगे आर इन ए पी, मैं अगर ये प्रूफ कर लूं तो मेरी बात बन जाएगी। और ये प्रूफ करना बहुत ही आसान है, ये प्रूफ करना बच्चे बहुत ही आसान है। अगर ये एपी में है तो आपको कुल मिला के ये प्रूफ करना है टू अपॉन ए बी बराबर वन अपॉन ए क्यू प्लस वन अपॉन ए पी। तो यानी राइट हैंड साइड को अगर मैं टू अपॉन ए बी प्रूफ कर दूं तो मैं कह पाऊंगा ए क्यू ए बी एंड ए पी एच पी में होंगे राइट। अब देखो आप आपको ए बी लेके आना है, ए पी और ए क्यू ये सब लिखा हुआ है, देखो आपके पास क्या परिभाषा है, ए क्यू अपॉन क्यू बी लैमडा इज टू वन है, ए पी अपॉन पी बी ये भी लैमडा इज टू वन है। कोई कुछ जुगाड़ बता सकता है, सोच समझ के साथ। आप गौर करो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप बिल्कुल ही लड्डू बन जाते हो। देखो आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और यहां कहीं बच्चे क्यू है, और यहां कहीं पे पी है, और आपको राइट हैंड साइड में क्या देखना है, ए बी देखना है। तो सबसे पहले या तो आपका मन करे आप ए पी प्लस, अगर आप ए क्यू करते हैं कुछ आइडिया नहीं है, आपको ए बी लेके आना है, ए बी ए नहीं हो कहीं से भी लेके आना है। बताओ क्या दिमाग आप लगा सकते हो इस पे, पूरा राइट हैंड साइड सॉल्व कर, ए बी का डम में सॉल्व करना है, आपके पास ये रेशियोज दे रखे हैं, यार दिमाग लगाओ, अपनी कॉपी में लिखो जो बता रहे थे, लिखो देखो क्या आ रहा है, सभी लोग इसे फटाफट प्रूफ करो भाई। देखो थोड़ी बहुत अलजेब्रा कर पाते हो, जल्दी प्रूफ करो जल्दी। राइट हैंड साइड को टू अपॉन ए बी प्रूफ कर देना है, सब कट जाएंगे साथी, थोड़ी सी मेहनत कर लो। सॉल्व करके पूरा कंक्लूड करो, झमेला मुझे पसंद नहीं। एलजेब्रा करो लाल जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट।
एक हिंट दे दूं, देखो एक हिंट तो मैं दे देता हूं, इसी रेशियो में दोनों तरफ वन ऐड कर दो, तो वन ऐड करते ही ए क्यू प्लस क्यू बी अपॉन क्यू बी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस वन, ए क्यू प्लस क्यू बी इज ए बी। इतनी बड़ी मदद कर दी देख लो, अब ना कर पाओ तो मक्कार कहलाओगे। और यहां दोनों तरफ से एक माइनस कर दो, तो एपी माइनस पीबी, एपी माइनस पीबी इज ए बी, राइट, एपी माइनस पीबी अपॉन में बच्चे पीबी लिखा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस वन। यानी यहां फर्स्ट वाले में आपको क्या मिल गया है, ए बी अपॉन क्यूबी, अब तो कर दो, ए बी अपॉन क्यूबी क्या है, लैम्डा प्लस वन। दूसरे वाले में एपी माइनस पीबी क्या हुआ, ए बी, ए बी अपॉन पीबी दैट इज लैम्डा माइनस वन। अब आप कर जाओगे, अब बताओ, और मदद कर दूं, तुम लोग जन्मजात इतने फिसड्डी थे, बताओ। अब देखो यहां क्या करना है, आप बच्चे ए क्यू गौर करो, ए क्यू, ए क्यू कितना है, लैम्डा क्यू बी, यहां पुट कर दो, वन अपॉन लैम्डा क्यू बी, नहीं आएगा लाल, सरेंडर कर देंगे। और एपी की जगह क्या आएगा, लैम्डा पीबी। लाल इतना रीअरेंजमेंट अगर आसान होता तो सारे करके बैठ जाते, मुश्किल तो होता ही है। वन बाई लैम्डा बाहर आ रहे। अच्छा बच्चा क्यूबी की वैल्यू कितनी है, यहां देखो क्यूबी कितना है, गौर करो, क्यूबी कितना है, ए बी अपॉन लैम्डा प्लस वन, को ए बी का टर्म में लिखना है, ए बी अपॉन लैम्डा प्लस वन, बोलो हाँ ना, हाँ या ना। चल बच्चे पीबी कितना है, यहां से देखो ए बी अपॉन लैम्डा माइनस वन, एड वैड कर दो, सॉल्व कर लो, टू अपॉन ए बी आ जाएगा, राइट। अब देखो बच्चे एक सवाल यहां देखते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपके पास तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, इफ देयर एग्जिस्ट थ्री पॉइंट्स ए 1.2, बी 2.4, सी 3.6, ठीक, देन यहां लिख लेते हैं, इफ इफ सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो सवाल तुरंत हो जाएगा, देन व्हाट विल बी
देन व्हाट विल बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए बी, सॉरी ऑफ सी। तो आप चेक करेंगे बच्चे, पता चल जाएगा सी जो भी है ए बी को एक्सटर्नली किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो गौर करो, अभी मुझे नहीं पता किस रेशियो में कैसे डिवाइड कर रहे हैं, मैंने चुपचाप से क्या किया, सॉल्यूशन में एक डायग्राम बना लिया। गौर करना बच्चे, डायग्राम बना लिया मैंने, ए बी सी लिखा, मैंने कहा भाई सी डिवाइड करता है ए बी को, लेकिन लिख दिया गया एक्सटर्नली, मामला आसान है फिर तो। यानी सी यहां पे है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, 3.6, ए का कोऑर्डिनेट है 1.2, बी का कोऑर्डिनेट है बच्चे 2.4। तो ये मैंने कहा भाई ये मान लिया लैम्डा इज टू 1 का रेशियो है, तो अगर मुझे एक बार लैम्डा इज टू 1 मिल गया तो सी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, इंटरनली सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। ये बात समझ आ रही है, इंटरनली सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, वही सी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट बच्चे एक्स कॉमा वाई में मान लेता हूं। तो देखो भाई सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पे, यानी 3 = mx2 यानी 2λ − 1/λ − 1। तो बच्चे 3λ − 3 = 2λ − 1, तो यहां से लैमडा की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ऐसे बच्चे आप y कोऑर्डिनेट के लिए भी कर सकते हैं, सिमिलर वर्किंग। y क्या है, 4 = λy2 यानी 4λ − 2/λ − 1। यहां से तो कुछ मिल ही नहीं रहे, एक बार देख लेते हैं। फोर लैम्डा माइनस वन होगा यहां पे, राइट, 4λ − 2, ओके सब पाप कर दिया, यहां पे 6 आएगा, 6 2। चलो बच्चे सॉल्व करो, यहां से भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोनों से लैम्डा की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, नहीं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे भाई, मैंने सवाल बनाया तो मैंने गलत बना दिया हो और हम मेहनत करते रहे, राइट। यहां से आप चेक कर लो लैम्डा अगेन 2 ही आ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई ये सारी बातें आपकी हो गई, लैम्डा मिल गया, यानी जो सी डैश होगा वो ए बी को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे अब आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एम एक्स टू यानी बच्चे 2 × 2 प्लस एन एक्स वन 1 × 1 अपॉन एम प्लस एन यानी 5/3। इसी प्रकार बच्चे आप वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसी प्रकार बच्चे आप वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 2 × 4 प्लस 3 यानी 10/3। तो 3.6 का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है उसका ये कोऑर्डिनेट है। अच्छा हार्मोनिक कॉन्जुगेट से क्या अर्थ निकला, कि जो एसी डैश एबी और एसी होंगे ये लेंथ किस में होंगे, एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, राइट। तो भाई सेक्शन फॉर्मूले की एक ये खूबसूरत बात थी हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली। अभी मैंने एक पॉइंट लिखा, दो पॉइंट मैं आपके लिए लिख देता हूं। देखो आप भरपूर ज्योमेट्री कर सकते हो, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, ज्यादा तो नहीं पढ़ी भाई अभी, बट मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ लोग जरूर कर पाएंगे। पहली बात यह है, एक बात तुमने नोट कर ली, दूसरा पॉइंट इसका कुछ ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। दो सर्कल्स हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का एग्जाम्पल बता रहा हूं, दो सर्कल्स हैं, ये सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो बाहर बाहर से बनता है। ये सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये मान लिया पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सर्कल का सेंटर C1 C2 है और यहां पे आप इंटरनल टेंजेंट भी सर्कल के लिए बना सकते हैं, वो ये वाले टेंजेंट हैं, ये वाले टेंजेंट है बच्चे। ये कहां मीट करते हैं, सपोज ये Q पॉइंट पे कट करते हैं, ओके
नाउ यू कैन सी पी एंड क्यू इन दिस केस, यानी ये जो इंटरनल टेंजेंट इनको बोलते हैं टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. क्या नाम होता है? ट्रांसवर्स इन पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ज्योमेट्री के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके प्रूफ वगैरह से रिलेटेड बातें, ठीक है. बाकी ये सर्कल्स में वापस आएंगे, ठीक है. बट अगर अभी कोई देखना चाहे तो वहां लिंक में जाके देख सकता है. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी. डीसीटी का अर्थ है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. तो बच्चे जो सर्कल के ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं, वो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन को क्रमशः इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं. सॉरी, मतलब जो डायरेक्ट है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स इंटरनली डिवाइड करता है. सवाल है किस रेशियो में. मेन सवाल तो ये है किस रेशियो में. गौर करना, ये सेंटर है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूं. ये गौर करना बच्चे, ये परपेंडिकुलर यहां मीट करता है. एक यहां पे परपेंडिकुलर बना लेते हैं. सपोज इस सर्कल का रेडियस आर वन है, इस सर्कल का रेडियस आर टू है. आप गौर करना, ये दो ट्राइंगल जिसमें मैं ऐसे लाइन बना रहा हूं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है. देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, राइट. अब आपके पास सफिशियंट इंफॉर्मेशन है, दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर कह सकते हैं. यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आर वन अपॉन आर टू, गौर करना बच्चे, आर वन अपॉन आर टू ये किसके बराबर होगा? सी वन क्यू अपॉन क्यू सी टू. हां या ना बोलो बच्चे. यानी क्यू जो भी है, सी वन सी टू सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियस के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं. ये बात पक्की हो गई. अब आगे चलते हैं, पी के बारे में देखते हैं. अब देखो यहां पे बड़ा वाला ट्राइंगल भाई ले लेते हैं हम. ये देखो बच्चे, यहां पे ये ट्राइंगल, ये मैंने 90 डिग्री बना लिया. एक यहां से परपेंडिकुलर बना लिया, ये फिर से 90 डिग्री हो गया. अब देखो एक ये बिग ट्राइंगल, ये मैं नाम वाम नहीं रख रहा हूं भाई, ये यहां से यहां चलना है. गौर करना, ये ट्राइंगल नजर आया बड़ा वाला, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल. ये दोनों भी कैसे हैं? सिमिलर. ये दोनों भी सिमिलर हैं. तो बच्चे यहां पे आप लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, जो सी वन पी और सी टू पी का रेशियो होगा वो भी रेडियस का ही रेशियो होगा. तो पी सेंटर ज्वाइनिंग लाइन को रेडियस के रेशियो में कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली. और क्यू कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली. तो पी और क्यू एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ये बात समझ आई? ये भाई एक ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल है, भी आप लिख लीजिए, ये फैक्ट आपको याद रखना है. ये तो मैंने चलो प्रूफ कर दिया, आपके ऊपर दया आ गई. एक और अगला प्रूफ नहीं करने वाला हूं. तीसरा पॉइंट सवाल नहीं है, ये सब पॉइंट्स हैं, आप याद रख सकते हो इन्हें, एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो. अभी से तुम कैप ऐप लगा कर आते हो, सर्दी लगने लग गई है. अरे तो ठीक है यार, इतने आला लगते हो तुम, पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हो मैथ के अलावा. चलो ये पूरी कहानी क्लियर हो गई. थर्ड पॉइंट लिखते हैं भाई, तीसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट बच्चे देखो, आपके पास ये एक ट्राइंगल है,
सपोज ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। देखो अच्छा, ये मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, एंगल बाइसेक्टर आपको पढ़ाई रखा है, मैं एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं। ये कौन सा बाइसेक्टर है? एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, यानी ये दो एंगल परस्पर बराबर हैं। ये सपोज किसी पॉइंट पी पे मीट करता है, और ए का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये किसी पॉइंट क्यू पे मीट करता है। गौर करना, किसी भी ट्रायंगल के जैसा फिगर में दिखा रखा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बेस को हार्मोनिकली डिवाइड करते हैं, यानी पी और क्यू यहां भी हार्मोनिक होंगे एक दूसरे के, यानी जो बी क्यू और क्यू सी का रेशियो है वही बी पी और सी पी का रेशियो होगा। ठीक है, तो आप लिख लो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नोट करो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द बेस हार्मोनिकली, आप ब्रैकेट में लिखना, मीन्स पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मीन्स पी एंड क्यू, ये आपको प्रूफ करना है और मेरे पास आज सेंड करना है, सबको भेजना है भाई शाम तक। पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी बच्चे कहने का मतलब क्या है, बी क्यू और क्यू सी का जो रेशियो होगा दैट विल बी सिमिलर एज बी पी एंड सी पी का रेशियो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम और आगे बढ़ जाएंगे, बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सबके फॉर्मूले लिख लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये वाली बातें कंप्लीट करेंगे, तो आज के लिए इतना रखते हैं।